भजन सरकार के बुलडोजर एक्शन की करेंगे। प्रदेश की भजन लाल सरकार ने साफ कर दिया है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। जोधपुर के लांबा गांव में मर्डर के आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आरोप है कि अनिल बिश्नोई ने जमीन का अतिक्रमण कर इस पर घर बनाया था। प्रदेश में अब अपराधियों की खैर नहीं, क्राइम किया तो होगी कड़ी कार्रवाई, अपराधियों के खिलाफ एक्शन में सरकार। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में लांबा गांव में हत्या के आरोपी अनिल बिश्नोई के अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। जोधपुर में पहली बार किसी हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और इसका मकसद साफ है कि सूबे में क्राइम किया तो खैर नहीं। जानकारी के मुताबिक अनिल बिश्नोई के साथ साहिल नाम के आरोपी के मकान पर भी कागजी कार्रवाई के बाद बुलडोजर चलना तय है। जो भी अपराधी हैं, वो जो एक वर्चस्व समाज में बना के रखते हैं और विभिन्न तरह के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उन्हें हर तरह से उनपे शिकंजा कसा जाए। आईपीसी के तहत जो उनका अपराध बनता है उसके खिलाफ तो हम लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं। इसके अलावा भी समाज में एक वो दबंगई का एक जो मैसेज देते हैं उसके खिलाफ भी शिकंजा कसने का प्रयास है और आगे भी ऐसी कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। पुलिस कुख्यात बदमाशों की लिस्ट तैयार कर बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। आरोपी अनिल बिश्नोई के खिलाफ ये कार्रवाई उसी कोशिश का नतीजा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी इस कार्रवाई पर साफ तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सर, एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज लांबा ग्राम में हो रही है। एक आरोपी है, हत्या का आरोपी, उसके परिवार की जो भूमि है उसे अतिक्रमण मान के हटाया जा रहा है। ऐसी सैकड़ों जमीनें जो है उसी गांव में चिन्हित है, लेकिन इसी को क्यों चुना गया सर? देखिए, मैंने तो जस्ट अभी ज्वाइन किया है, मुझे इस मैटर की इनडेप्थ जानकारी नहीं है और मैं इसकी जानकारी कर दिया। आरोप है कि 23 दिसंबर 2023 की रात आरोपी अनिल बिश्नोई ने अपने दोस्त साहिल के साथ मिलकर गांव की एक महिला को चाकू से गोद कर मार डाला था। इतना ही नहीं, घर में मौजूद दो मासूम बच्चों पर भी जानलेवा हमला किया। आरोप है कि दोनों चोरी के इरादे से घर में घुसे थे, लेकिन चोरी में नाकाम होते देख उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वारदात के बाद से परिवार समेत गांव वाले कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महिला की हत्या के चार दिन बाद गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा था। जोधपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट।